हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशुतोष हियर। टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट आवर चैप्टर होल नंबर। सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट द होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड देयर टाइप्स। सो इस चैप्टर में हम कुछ प्रॉपर्टीज करने वाले हैं, होल नंबर की प्रॉपर्टीज है। सो यहाँ पे टॉपिक लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। सो हियर देयर आर फोर प्रॉपर्टीज you have to understand that, because what is this properties, that all the problems will based on this properties. तो यहाँ पे हमें properties कैसे करना है वो सीखना है। तो कुछ formulas है, उसको हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जैसा कि देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी भी क्या है, a प्लस बी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 8, हमने एग्जाम्पल लिखा है। तो हम जब a प्लस बी करेंगे तो हमें आंसर मिलता है जनरल वाला 11। तो 3 प्लस एट दैट इज 11। तो ये जनरल मेथड हो गया जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, ठीक है। अभी सपोज सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। ये एक लॉ है इस होल नंबर में, तो ये बहुत ही सिंपल है। देखिए a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि बोलता है कि a प्लस बी अगर करोगे तो आंसर क्या आता है, और b प्लस a करोंगे तो आंसर क्या आता है। तो 0 प्लस 3, मैंने एग्जांपल लिखे, यानी कि a की वैल्यू इधर 0 होगी, b की वैल्यू इधर 3 होगी, इसको भी करेंगे तो 3 आंसर आएगा, और डेफिनेटली b प्लस a भी करोगे तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट दैट इज द थर्ड वन इज दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी 0, यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी 0, यानी कोई भी हमारा एक टर्म अगर हम 0 से प्लस करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। जैसे कि a प्लस 0 और 0 प्लस a, यानी कि दो टाइप में बनता है, a प्लस 0 एक बार कर सकते हैं और 0 प्लस a कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, हमें पता है अच्छे से प्रॉपर्टी क्या आएगी, भाई हमारा आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल 3, 4, 2 प्लस 0, इसका आंसर क्या आएगा, 3, 4, 2 ही आंसर आएगा। अगर हम उसका उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं, 0 प्लस 3, 4, 2 करते हैं, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, वही आएगा। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी फोर्थ, एसोसिएटिव लॉ। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको कन्फ्यूज नहीं होना है, सिंपली समझना है। जैसा कि a b c है वैल्यूज की, a b c वैल्यूज यहाँ पे दी होगी, पर्टिकुलर एक इसमें हमें ये समझना है, ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये है कि a प्लस बी जो है ब्रैकेट में है, प्लस सी जो है बाहर है। तो सिंपली है, इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख चुका हूं मैं, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, a बाहर रहेगा और b प्लस सी ब्रैकेट में रहेगा। तो देखिए आंसर क्या आता है, आंसर देखेंगे हम, जैसे इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 5 प्लस 2, हमें बोर्ड मास पता है, बोर्ड मास के साथ हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 5 प्लस 2 क्या होता है हमारा 7, एंड दिस 3 हियर, सो आंसर आ गया यहाँ पे 10। अभी इसको सॉल्व करके देखते, यहाँ पे भी हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करके देखना है। तो इक्वल टू लिखते हो यहाँ पे 5, जैसे वैसा 2 प्लस 3 दैट इज 5, तो ये 5 बन गया, 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10। तो देखिए हमारा जो आंसर रहेगा वो कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, एडिटिव प्रॉपर्टी 0 एंड एसोसिएटिव लॉ। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द होल नंबर। You have to might to be understood all this concept very clearly. ये अगर आपको नहीं आता है तो आप नहीं सॉल्व करोगे, इसके कुछ examples होते हैं हम देखेंगे। So आगे तो करते हैं next question, that is this problem that is regarding to of the property of the whole number, that is the addition. मैंने last इसमें इसके यहाँ पे addition नहीं लिखा, तो आप लिख लीजिए addition करके। तो इसके बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम देखने वाले हैं, सिंपल प्रॉब्लम है, यहाँ पे बढ़ा दिया है। अब इसके वजह कुछ प्रॉब्लम आएंगे तो आपके प्रॉपर्टीज के ही थ्रू आएंगे, उसके भी एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। पर ऐसा अगर कभी कोई चीज आया तो आपको कैसा करना है, तो देखिए जनरली क्या होता है, जैसा अभी यहाँ पे 999 आपको दिख रहा है, बड़ा नंबर दिख रहा है 999, ठीक है। तो 9 आता है 2 डिजिट में 99, 3 डिजिट में 999, तो इसको मैं 10-1 लिख सकता हूँ, 10-1 इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं 100-1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 1000-1 लिख सकता हूँ, ठीक है। यही कंसेप्ट हमें यूज करना है, हमेशा याद रखना है कि ऐसा कभी आया तो उसको हम ऐसा कन्वर्ट करते हैं, ये याद रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे,
3, 2, 6, 9 एट प्लस इसको मैंने क्या बोला है कितने बार है 1, 2, 3, 4 वन दे दिए और 4 बार 0 1, 2, 3 एंड दिस 4 ठीक है एंड -1 इसको ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करना है हमें ये थाउजेंड्स को इसके साथ मिलाना है ठीक है तो हम कैसे लिखेंगे 3, 2, 6, 9, 8 प्लस 1000 सॉरी 10000 ठीक है और इसको हम ब्रैकेट करेंगे और माइनस इधर ये करेंगे ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको इससे हम प्लस करेंगे तो देखिए 8, 9, 6 ये 2 और 3 प्लस 1 4 तो ये हमारा आंसर आ गया इस तरह से और माइनस 1 और माइनस क्या है 1 है। तो अभी इसमें को इससे निकालना है जैसा कि हमने लास्ट टाइम प्रेडेसर देखा था हमने तो इसको सिंपल से हमें क्या लिखना है यहाँ पे फिर लिखना है जैसा कि 4, 2, 6, 9 एंड 7 आपको आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे देखिए 4, 2, 6, 9, 8 और -1 तो 8 में से बन गया 7 बाकी का जैसे भी वैसा ठीक है तो हमारा आंसर आ गया है। तो देखिए इस तरह से हमको करना है इसको बहुत सिंपल है उसी तरह से हमको सेकंड भी उसी तरह से करना है जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 4, 5, 2, 0 प्लस इसका 3 बार 0 है यहाँ पे 1 देखे 3 बार 0 लिखी है 1000 बन गया -1 दीजिए ठीक है सेम करेगा। उसके बाद यहाँ पे 4, 5, 2, 0 प्लस हम 1000 करेंगे एंड -1 करेंगे फिर उसके बाद इसका हम सम करेंगे तो कितना आता है भाई सम आता है इसका सम करिए 0, 2, 5 प्लस 0, 5 एंड 4 प्लस 1, 5 और -1 करिए ठीक है ये वाला -1 यहाँ पे है। अब -1 करिए देखिए सिंपल से चीज़ है अब यहाँ पे 0 है गाइस यहाँ पे क्या है 0 है तो आपको बराबर इसका माइनस करना पड़ेगा तो हम करते हैं माइनस यहाँ पे देखें 5, 5, 5, 2, 0, 1 इसका क्या जाएगा इसका 10 हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा 10 में से बन गया 9, 1, 5, 5 तो इसका आंसर कितना आ गया 5, 5, 1, 9 इसका आंसर हमारा ये हो गया। तो गाइस आप सब सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि इस तरह से क्यों करना क्योंकि ये मेथड है आपको जो सिलेबस के हिसाब से आपको दी गई है तो आपको इसी मेथड से उसको सॉल्व करना पड़ेगा ना कि डायरेक्टली करना है डायरेक्टली हमें नहीं करना। अगर बोला है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द होल नंबर तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा अदरवाइज दूसरे मेथड से आपको नहीं करना पड़ेगा ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी थर्ड जो एग्जांपल दिया है मुझे सर प्रॉपर्टी के हिसाब से दिया है तो मैं उसको प्रॉपर्टी के हिसाब से बताने वाला हूँ। थर्ड एग्जांपल देखिए यहाँ पे 998 आया है हमें समझना 998 और प्लस में भी 998 है तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिससे ये 998 इसका सम आया होगा। सिंपल से हमारे को पता है कि हमारे वो एक प्रॉपर्टी है जो कि एक प्रॉपर्टी जो बोलते हैं जिसका नाम है हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी जीरो कर दे तो जीरो दे देंगे 0 प्लस 998 का क्या होता है 998 होता है तो हमें यही समझना है कि इसको कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। जैसा कि और एक लेते हैं इसी टाइप का प्रॉब्लम लेंगे एग्जाम्पल 4 करके लेते हैं 4, 2, 5 प्लस -4, 2, 5 तो सिंपल है यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा यहाँ पे हमारा 0 आएगा। इसी तरह से हमें प्रॉपर्टी को समझ के इसको प्रॉब्लम्स करना है। सो देखिए ध्यान से देखना है इसको सॉल्व करना है अगर आप लिखना चाहते हैं तो पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आएगा सिर्फ आपको ध्यान देना थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है तो थोड़ा और एक बार ध्यान देना है बुक्स पढ़ना है बुक के प्रॉपर्टी पढ़ना है एग्जाम्पल सॉल्व करना है। अगर आपको एक कोई भी एग्जाम्पल नहीं समझ में आता तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइए कि आपको नहीं समझ में आया है तो मैं उसके ऊपर सोल्यूशन निकाल दूंगा। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ है वो आपको क्लियर होनी चाहिए जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो कि प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमें समझ में आना चाहिए प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं क्योंकि इसके पहले के दो एक्सरसाइज थे पार्ट वन था बहुत ही इजी था उसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक में प्रॉपर्टीज ऑफ दी होल नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन देखने वाले हैं फिर प्रोडक्ट देखने वाले हैं फिर डिवीजन देखने वाले हैं ये पूरा इस चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए
सिंपल रहता है। अभी देखो तीन अगर नंबर देके है, तीन ऐसे भी यहाँ पे दो ही बार नंबर देके, दो नंबर से यहाँ पे तीन देखे, तो आप कोई भी नंबर को दो नंबर को प्लस करिए और एक नंबर को प्लस करिए। अगर 999 है इस तरह, तो ये मेथड यूज करिए 999, अगर कहीं भी फॉर्म आता है ऐसे टाइप में करना है, अगर नहीं आता तो हमारा जनरल फॉर्म ही यूज करना है। तो सिंपल है, ट्राई करिए, अगर कुछ डाउट्स होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइए, आई विल डेफिनेटली सॉल्व ऑल दी डाउट्स। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे होम।